टिकटॉक बैन इन इंडिया, शेयर इट, वी चैट, कैम स्कैनर भी बैन। भारत ने 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। आइए हम बताते हैं कि पूरा माजरा क्या है। भारत चाइना की ऐप्स को बैन करके चाइना पर आर्थिक दबाव क्यों डाल रहा है? ये सब भारत चाइना बॉर्डर में चल रही गर्मा गर्मी की वजह से है। जब 1962 में दोनों देशों की रजामंदी से सीमा तय हो चुकी है, फिर ये किस बात का झगड़ा है? इस बार मुद्दा है पूर्वी लद्दाख की गालवान नदी। यहाँ दोनों देशों की सेनाएं यूं तो अपनी अपनी सीमाओं में खड़ी हैं, पर फिर भी मामला थोड़ा पेचीदा है। हालांकि 1962 के बाद अब तक इस जगह शांति थी, अब अचानक सीमाओं को लेकर विवाद छिड़ गया है। आइए पहले थोड़ा अतीत में चलते हैं और जानते हैं कि 1962 में क्या हुआ था। दरअसल चीन और भारत के बीच एक लंबी सीमा है। इस सीमा पर कई विवादित क्षेत्र हैं। वेस्ट में अक्साई चिन क्षेत्र है जो स्विट्जरलैंड जितना बड़ा है, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है। 1962 के संघर्ष में इन दोनों जगहों में चीनी सैनिक आ गए थे। उस समय विवाद की एक मुख्य वजह थी जिंगजांग और तिब्बत के बीच एक सड़क का निर्माण। ये हाईवे लगभग 180 किलोमीटर लंबा है और आज इसे G-219 के नाम से जाना जाता है। ये हाईवे अक्साई चीन नाम की एक जगह से होकर गुजरता है जो भारत का हिस्सा है। पहले तो चीन महाशय ने बिना पूछे ये सड़क बना ली, फिर दावा करने लगे कि ये एरिया उनके हिस्से में आता है क्योंकि यहाँ से उनकी सड़क गुजरती है। ये क्या बात हुई भाई? दरअसल चीन ने 1959 में एक नक्शा निकाला था जिसमें चीन और भारत की सीमा बनाई गई थी। फिर सितंबर 1962 को चीन ने इस नक्शे में रातों रात बदलाव कर दिया और अपनी सीमा में पूर्वी लद्दाख का कुछ और हिस्सा शामिल कर लिया। चीन के इस रवैये के पीछे छिपे कारण के खोजबीन करने पर पता चला कि चीन की मंशा है कि भारत जिंगजांग और तिब्बत के बीच बने हाईवे से दूर रहे, इसलिए चीन ने इस हाईवे से सटे लगभग सभी हिस्सों को अपनी सीमा में शामिल कर लिया। इसके पीछे एक कारण ये भी था कि अगर इस हिस्से में पड़ने वाले सभी पहाड़ चीन के कब्जे में आ जाते हैं तो भारत के लिए भविष्य में कभी भी चीन पर चढ़ाई करना मुश्किल हो जाएगा और चीन का अधिकार क्षेत्र बढ़ने के साथ साथ उसकी सेना की पकड़ इन इलाकों में और मजबूत हो जाएगी। 1962 में जब चीन की सेना इंडिया के अंदर आके हमारे इलाकों को अपना हिस्सा बताने लगी थी तो दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने आ गई थी। दरअसल भारतीय गोरखा सैनिक ने 4 जुलाई 1962 में घाटी में पहुंचने के लिए एक पोस्ट बनाई थी। इसके बाद चीनी सैनिकों ने गोरखा पोस्ट को 100 गज की दूरी पर घेर लिया था। भारत भी अपना हिस्सा छोड़ने को तैयार नहीं था, इसलिए सेना 4 महीने तक इस पोस्ट पर जमी रही और हेलीकॉप्टर के जरिए खाद्य और सैन्य सप्लाई जारी रखी। पर आखिर में खराब मौसम और जरूरी चीजों की कमी से हमें हार का सामना करना पड़ा और चीन ने हमारा कुछ और हिस्सा हमेशा के लिए अपने मैप में ऐड कर लिया। जहाँ तक गालवान नदी की बात है तो यह भी चीन की कोशिश रही कि नदी के आसपास का पूरा इलाका जहाँ से भी भारत के लिए अक्साई चीन के पहाड़ तक पहुँचना आसान हो, ऐसे सभी रास्तों पर कब्जा कर लिया जाए। गालवान नदी के आसपास का पूरा इलाका पूर्वी लद्दाख का वो हिस्सा है जहाँ भारतीय सेना की एक पोस्ट मौजूद है। यहाँ 20 अक्टूबर 1962 को युद्ध शुरू हुआ। चीन की आर्मी ने इस गालवान पोस्ट पर भारी गोलाबारी और बमबारी की। भारतीय सेना 24 घंटे तक डटी रही। इस दौरान यहां 33 भारतीय मारे गए। कई कंपनी कमांडर और अन्य लोगों को चीनी सेना ने बंदी बना लिया। इसके बाद से चीन ने अक्साई चिन पर अपने दावे वाली पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ये तो बात हुई 1962 की। अब समझते हैं ताजा मामला क्या है। पहले आप मैप देखिए, आप देख सकते हैं ये जो रेड लाइन है ये LAC है, ये बॉर्डर है हमारे और चीन के बीच में। इसके एक तरफ आपको श्योक नदी नजर आ रही होगी, ये भारत है, जबकि आप देख सकते हैं गालवान नदी दोनों देशों से होकर गुजरती है। इंडिया वाली साइड पर आप जो फ्लैश पॉइंट PP-14 देख रहे हैं ये इंडियन आर्मी की पोस्ट है, मतलब सीमा की देखरेख के लिए यहाँ कुछ सैनिक तैनात रहते हैं। हुआ ये कि मई के पहले सप्ताह में चीनी सेना ने गालवान घाटी क्षेत्र की भारतीय सीमा के अंदर प्रवेश कर लिया, जिसे भारतीय सेना ने अपने पेट्रोलिंग पॉइंट PP-14 पर रोक दिया।
इसके बाद 6 जून को भारत और चीन के लेफ्टिनेंट जनरल के बीच मीटिंग हुई। दोनों सेनाएं पीछे हटने को राजी हो गई। मीटिंग के बाद खबर आई कि भारत की सीमा के अंदर गालवान नदी के पास जहां चीन ने अपना कैंप लगाया था उसे हटा लिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद दोबारा चीनी सैनिकों ने वहां पे कैंप बना लिया। चीनी सैनिकों ने मीटिंग में हुई सहमति का उल्लंघन किया। इसी वजह से 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू कुछ जवानों के साथ 15 जून की रात उस कैंप के पास गए, केवल ये पता लगाने के लिए कि यह टेंट दोबारा अचानक से कैसे बन गया, वो भी तब जब सहमति के साथ इसे हटाया गया था। जब कर्नल सैनिकों के साथ कैंप के पास पहुँचे तब चीनी सैनिक पूरी तरह से चौकन्ने होकर उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, लाठी पत्थर और हथियार उनके पास सब था। जैसे ही भारतीय जवान उनके पास पहुंचे, हमला हो गया। आप सोच रहे होंगे सेना के पास हथियारों के नाम पर लाठी और पत्थर। दरअसल इंडिया और चीन के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था कि बॉर्डर पर गोली नहीं चलाई जाएगी, इसीलिए यहाँ हमारी आर्मी पर लाठी और पत्थरों से हमला हुआ और हमारे लगभग 20 जवान शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल भारत में चीनी प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट शुरू हो गया है और सुनने में आया है कि भारतीय रेलवे ने चीन की कंपनी के साथ अपना लगभग 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। Don't forget to subscribe to TGF and hit the bell icon to get instant notifications.